छत्तीसगढ़ का पूरा मंत्रिमंडल 13 जुलाई को अयोध्या रवाना हो चुका है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत पूरा मंत्रिमंडल अयोध्या में बने भव्य मंदिर में श्री राम लला के दर्शन करेंगे। अयोध्या रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हम भांजा राम के दर्शन करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री इस मौके पर माता शबरी की धरती कहे जाने वाले शिवरी नारायण से बेर फल से भरी टोकरी भी उपहार के रूप में राम लला को भेंट करेंगे। साय सरकार का ये अयोध्या दर्शन कार्यक्रम एक दिन का ही होगा। शाम तक सभी मंत्री लौट आएंगे। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से सीएम समेत सभी मंत्री रवाना हुए। यहाँ से वे महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम पहुँचेंगे। यहाँ शाम 5 बजे तक श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम में श्री राम लला के दर्शन और मंदिर का भ्रमण करेंगे। इसके बाद शाम 5:15 बजे अयोध्या धाम एयरपोर्ट से रायपुर के लिए सभी रवाना होंगे। शाम 6:45 पर सभी स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर लौट आएंगे। बेर तो फेमस है। भगवान राम अपने वनवास काल में माता सबरी के जूठे बेर खाए थे, आज प्रसाद के रूप में सबरी के बेर भी ले जा रहे हैं, वहाँ का जल भी ले जा रहे हैं, महुआ का फल भी ले जा रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ की खुशहाली जब बोल रही तो सब चीज उसमें आ जाता है। इधर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने इसे नौटंकी बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार बने 8 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है। अब तक मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के साथ कौशल्या माता के दर्शन करने नहीं पहुंचे, जो विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां कौशल्या माँ की गोद में भगवान राम विराजमान है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को भगवान राम का ननिहाल माना जाता है। चंदखुरी में भांजा राम के दर्शन करने तो सरकार के मंत्री गए नहीं और अब नौटंकी करने अयोध्या जा रहे हैं। उन्होंने कहा, घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध। सुशील आनंद शुक्ला ने ये भी कहा कि कांग्रेस सरकार ने राम वन गमन पथ प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसे भाजपा सरकार ने बंद कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनपीटी न्यूज़।